ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बदलाव की अटकलों के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। संगठन में परिवर्तन को लेकर टीएस सिंहदेव ने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ सीनियर मंत्री ये कह रहे हैं कि इस बार 75 के पार तो संगठन में बदलाव का औचित्य समझ से परे है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब टीम अच्छा काम कर रही है तो बदलना क्यों। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब 75 प्लस के साथ जीत रहे हैं तो फिर बदलाव क्यों करना है। टीएस सिंहदेव ने कहा, मेरे को तो बदलाव के संबंध में बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने वीडियो में देखा कि शैलजा जी खड़ी हैं, मोहन मरकाम खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। हाईकमान के ऊपर है कि चुनाव की क्या स्थिति को किस तरह आंक रहे हैं, पार्टी के हित में बेस्ट क्या होगा। कई लोगों का विचार होगा कि अब चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने भी आज कहीं पर सुना, मैंने देखा जो वीडियो चल रहा था उसमें मैंने ये भी देखा कि शैलजा जी भी खड़ी हैं और मोहन मरकाम जी भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। यदि संगठन के बदलाव की बात ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो ये चुनाव से पहले आप इसको कैसे देखते हैं? हाईकमांड के ऊपर है कि चुनाव की क्या स्थिति को आंक रहे हैं और पार्टी के हित में बेस्ट क्या होगा। कई लोगों का विचार होगा कि अब चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कुछ चेंज करके भी देखो, अगर कहीं उससे और अच्छा हो सकता है। मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है, तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज़्यादा सीट जीत रहे हैं तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। अगर हम टाइट हैं कि हार जीत का संघर्ष चल रहा है तो बदलाव की बात सामान्य रूप से होती है। अगर हम इतने विश्वस्त हैं और ये सभी कोई कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है और कुछ सीनियर लोग कहते हैं 75 पार, तो फिर सब बढ़िया है। जो टीम अच्छा काम कर रही है फिर बदलना क्यों, ये भी बात आती है। 75 सीट आ पाएंगी? 75 सीट तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ये सारी बातें सुनने में आ रही हैं। मेरे को इनमें से किसी की जानकारी नहीं। रसोईया संघ काफी नाराज है।